दोस्तों ये जो आप आलीशान सा घर देख पा रहे हैं ना, ये है बॉलीवुड हीरो जितेंद्र कपूर का घर। इस घर की कीमत 250 करोड़ रुपए है। यह घर जो ना मुंबई के जुहू इलाके में पड़ता है। जितेंद्र कपूर जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वो रहते हैं। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी का सीन ऐसा है कि हम आ गए मुंबई के जुहू इलाके में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड हीरो जितेंद्र कपूर का घर दिखाने वाले हैं। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, मैं आपको बता दें, जितेंद्र कपूर की वाइफ का नाम है शोभा कपूर और जितेंद्र कपूर के दो बच्चे भी है। बेटे का नाम है तुषार कपूर और बेटी का नाम है एकता कपूर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे जितेंद्र कपूर का घर, जो कि इस घर का नाम है कृष्णा। तो अभी हम आपको गाइज दिखाने वाले हैं जितेंद्र कपूर का घर, जो कि ये घर जो ना कोई राजमहल से कम नहीं दिखाई देता है। तो गाइज, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और एक घर कितने करोड़ का है, तो गाइज अभी हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड हीरो जितेंद्र कपूर जी का घर। तो चलिए गाइज, वीडियो पर स्टार्ट। दोस्तों, ये आप ये जो घर देख पा रहे हैं, ये है बॉलीवुड की जितेंद्र कपूर जी का घर है। देख सकते हैं, मैं अभी मैं जो है ना इसको घर को सामने से भी दिखाऊंगा। और इस घर का नाम है, मैं आपको बता दूं गाइज, कृष्णा। तो देख सकते हैं गाइज, ये घर जो है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये घर जो है ना कहाँ पर पड़ता है, इस घर का एड्रेस क्या है, मैं आपको जो है ना सब कुछ दिखाऊँगा। तो चलिए गाइज, सीधा आगे चलते हैं मेन गेट की तरफ और हम आपको दिखाते हैं इनका घर कैसे दिखता है। तो गाइज, फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं जितेंद्र कपूर जी के घर के सामने। तो देख सकते हैं गाइज, इनका जो घर है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जितेंद्र कपूर जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वो रहते हैं। जितेंद्र कपूर की वाइफ का नाम है शोभा कपूर और जितेंद्र कपूर के दो बच्चे भी हैं। बेटे का नाम है तुषार कपूर और बेटी का नाम है एकता कपूर। दोस्तों, मैं आपको बता दें, तुषार कपूर जो है ना कृष्णा पार्ट टू में रहते हैं और एकता कपूर जो है ना कृष्णा पार्ट वन में रहती है, जो कि मुंबई के जुहू इलाके में पड़ता है। दोस्तों, ये जो आप आलीशान सा घर देख पा रहे हैं ना, इस घर का नाम है कृष्णा। जी हाँ, कृष्णा नाम है। तो देख सकते हैं गाइज, ये घर जो है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो चलिए गाइज, जितेंद्र कपूर के ना बायोग्राफी के बारे में हम आपको बता दें। जितेंद्र कपूर का बचपन का नाम रवि कपूर था, जिसे बाद में इन्होंने परिवर्तित कर लिया। इनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर था और माता का नाम कृष्णा कपूर है। जितेंद्र कपूर के पिता इमिटेशन ज्वेलरी में काम करते थे, ये पंजाब के रहने वाले थे। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ हो, परंतु इन्होंने अपना बचपन गिग्रोम मुंबई में बिताया है। ये उस समय रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेटिली में रहते थे। इनकी आज भी उस जगह से कोई यादें जुड़ी है। आज भी हर वर्ष गणेश उत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। जितेंद्र कपूर जो ने अपनी पढ़ाई शिक्षा, इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेट सेविटेशन हाई स्कूल निग्रोम से की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण की थी। जितेंद्र कपूर की वैवाहिक जीवन की बात करें ना, तो हम आपको बता दें, जितेंद्र की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई तब वे मात्र 14 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशनशिप शोभा के साथ शुरू हुआ, जो कि 1972 तक चला था। इनकी शादी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में हुई थी। 31 अक्टूबर की सुबह जितेंद्र ने अपने माता पिता को फ़ोन कर यह जानकारी दी कि वे उसी दिन शाम को शोभा से शादी करने जा रहे हैं। जितेंद्र के माता पिता ने उनसे शादी के एक सप्ताह बाद करने के लिए कहा, ताकि वे शादी की तैयारी अच्छे से कर पाए। परंतु शादी की तारीख और आगे टलने के डर से जितेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय शोभा की मां भी जापान में थी और इस तरह जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का निर्णय ले लिया। इनका विवाह एक बहुत ही सामान्य तरीके से हुआ था, पारिवारिक लोग और मेहमानों के बीच संपन्न हुआ था। जितेंद्र कपूर और शोभा कपूर के दो बच्चे भी हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। एकता जहां बालाजी टेलीफिल्म चलाती है, वहीं तुषार कपूर जो ना अपने पिता के समान एक अभिनेता हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इसी घर में जो ना
जितेंद्र कपूर रहते हैं। दोस्तों अगर जितेंद्र कपूर की करियर की बात करें तो हम आपको बता दें, जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों तक रहा। इनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब वे अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी की सप्लाई करने का फिल्मी इंडस्ट्री गए तो वहाँ इन्हें वी शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नौरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। जितेंद्र कपूर को मात्र 17 साल की आयु में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा मौका साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने वे वी शांताराम के ही द्वारा दिया गया, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत ही पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफ़ेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवा और हम जोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जैपिंग जैक नाम दिया गया। इन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। तो देख सकते हैं गाइस, अभी फिलहाल जो है ना जितेंद्र कपूर इसी बंगले में वो रहते हैं जो कि इस घर की कीमत 250 करोड़ रुपए बताई जाती है। जितेंद्र कपूर के अवार्ड जो है ना कुछ इस प्रकार है। साल 2004 में जितेंद्र को लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से अंटार्कटिक सिटी में सम्मानित किया गया था जो कि एक बहुत ही बड़ा सम्मान था। साल 2007 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। इसके बाद इन्हें साल 2012 में लॉयस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और अवार्ड इन्हें मोस्ट एवरग्रीन रोमांटिक हीरो के लिए दिया गया था। तो देख सकते हैं गाइस, अभी फिलहाल जो है ना जितेंद्र कपूर अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वो रहते हैं। उनकी वाइफ का नाम है शोभा कपूर और उनके बेटे का नाम है तुषार कपूर और बेटी का नाम है एकता कपूर। तो देख सकते हैं गाइस, ये घर जो ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता। जितेंद्र कपूर की नेटवर्थ की बात करें तो हम आपको बता दें, $200 मिलियन यानी भारतीय करेंसी के अनुसार 1500 करोड़ रुपए है। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गुलमोहर क्रॉस रोड नंबर 5। तो देख सकते हैं गाइस ये एड्रेस है और ये है बॉलीवुड हीरो जितेंद्र कपूर जी का घर। देख सकते हैं गाइस मेन गेट यही है। दोस्तों अभी मैंने आपको जितेंद्र कपूर का घर का पूरा वीडियो भी दिखाया और उनके बायोग्राफी के बारे में भी मैंने आपको बताया। दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक ओके बाय।